आईपीएल के 13वें सीजन के 56वें मैच में मंगलवार को रात शारजहां में सनराइजर्स हैदराबाद ने बाजी मारी। उसने अपने करो या मरो के मुकाबले में मजबूत मुंबई इंडियंस को 10 विकेट से मात दी। सनराइजर्स ने पहले तो मुंबई इंडियंस को 149 रनों पर रोका और फिर 17.1 ओवर तक बिना किसी नुकसान के 151 रन बनाए और जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान डेविड वार्नर ने नाबाद 85 रन और रिद्धिमान शाह ने नाबाद 58 रन की सलामी जोड़ी ने मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसाया। इस बेसकीमती जीत के साथ ही सनराइजर्स हैदराबाद ने प्लेऑफ में धमाकेदार एंट्री की। मौजूदा आईपीएल के आखिरी लीग मैच के इस नतीजे के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का अभियान खत्म हो गया। सनराइजर्स ने लगातार तीसरी जीत हासिल की। सनराइजर्स की यह 7वीं जीत रही। वह 14 मैचों में 14 अंकों के साथ बेहतर रन रेट के आधार पर अंक तालिका में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बाद तीसरे स्थान पर आ गई। यानी अब वह एलिमिनेटर में 6 नंबर के चौथे नंबर की टीम रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के खिलाफ उतरेगी। मुंबई इंडियंस की यह 5वीं हार रही। वह 14 मैचों में 18 अंकों के साथ टॉप पर बरकरार रही। सनराइजर्स की जीत से कोलकाता नाइट राइडर्स का अभियान खत्म हो गया। 14 मैचों में उसके भी 14 अंक रहे, लेकिन खराब रन रेट की वजह से वह अंतिम चार से बाहर हो गई। 150 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइजर्स की टीम के कप्तान डेविड वार्नर और रिद्धिमान शाह ने बेहतरीन शुरुआत दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 151 रन की अटूट साझेदारी की। जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट के बिना उतरी मुंबई इंडियंस की टीम विकेट के लिए तरस गई।